एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके ऊपर अगर फॉल्स एफआईआर हो गई, झूठी एफआईआर हो गई आपको फंसाने के लिए, तब आखिरकार आपकी एफआईआर की क्वेश्चन कैसे संभव होगी, आपका मुकदमा खत्म कैसे होगा इनिशियल स्टेज से ही, आपको ट्रायल कैसे नहीं फेस करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में मिलना चाहते हैं, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज डायरेक्ट कॉल न करें, पहले अपॉइंटमेंट बुक कराएं, उसके बाद ही आपकी मेरी बात संभव हो पाएगी। देखिए, एफआईआर क्वेश्चन यानी कि एफआईआर को जब आपके ऊपर फॉल्स एफआईआर हो गई है, झूठी एफआईआर रजिस्टर हो गई, आपके पास सारे के सारे एविडेंसेस हैं, आप कहते हो कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर रजिस्टर हुई है और इस एफआईआर को खत्म होना चाहिए, आपने दरोगा को जो उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको सारे के सारे एविडेंसेस अपने फेवर में दिखाए, लेकिन उसने आपके किसी भी एविडेंस को कंसिडर नहीं किया और आपकी एफआईआर कंटिन्यू उसने चलने दी, एफआईआर नहीं लगाया। ठीक है, एफआईआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट की, कोई ऑफेंस मेट आउट नहीं होता है, कोई ऑफेंस बनता नहीं, तो दरोगा की रिस्पांसिबिलिटी बनती कि वो एफआईआर लगाए, लेकिन दरोगा ने एफआईआर ना लगा करके चार्जशीट पेश कर दी, एफआईआर को कंटिन्यू रखा। अब इनिशियल स्टेज पर जैसे ही एफआईआर हुई, आप कहोगे कि मेरी एफआईआर फॉल्स है। कैसे एफआईआर फॉल्स है? देखिए, एफआईआर फॉल्स है, क्वेश्चन कैसे उसकी संभव होगी। पहली कंडीशन क्वेश्चन की क्या होगी, जब मान लीजिए डिले इन एफआईआर है, जैसे मान लीजिए किसी घटना के बारे में बताया गया कि एक साल पहले इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया हुआ था। ठीक है, एक साल पहले की घटना दिखाया, एक साल से सास ससुर मारपीट कर रहे थे, 498A और 323, 504, 506 में जब महिलाएं लिखाती तो बताती एक साल से लगातार मारा पीटा और मैंने एफआईआर अब लिखाई है। अब डिले इन एफआईआर हो गई, मतलब एफआईआर जब इन्होंने देर से लिखा दी है तो इसका कहीं ना कहीं ग्राउंड बनता है कि कॉन्कोक्टेड स्टोरी है, फॉल्स स्टोरी है, स्टोरी इन्होंने फैब्रिकेटेड तरीके से बनाई है ताकि अपोजिट पार्टी को फंसा कर ये हैरेस कर सके। जब भी डिले इन एफआईआर है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, तब आप इसकी क्वेश्चन में जा सकते हैं। बिल्कुल डिले इन एफआईआर के बेसिस पर आपकी क्वेश्चन पॉसिबल है। जब डिले इन एफआईआर होगी तो आप मान के चलिए, जब मारपीट का अगर बात करा गया है या फिर जो है रेप की बात करी गई है तो वहां पर मेडिकल नहीं होगा। जब मेडिकल नहीं है तो रेप हुआ नहीं है, मारपीट हुई नहीं है। ठीक है, जब डिले इन एफआईआर होगा तो मेडिकल नहीं होगा, और दूसरी चीज ये होगा कि जब डिले इन एफआईआर होगा तो वो डेट, टाइम, प्लेस और इवेंट, जब देखिए आपकी एफआईआर में डिले है, उसका मेडिकल नहीं है, डेट नहीं मेंशन है, कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं मेंशन है कि इस दिन मेरे साथ ऐसी घटना कारित हुई, जब उस चीज को महिला बता पाने में सक्षम है या कोई भी व्यक्ति जिसने फॉल्स एफआईआर लिखी है उस एफआईआर में बता पाने में सक्षम है, डेट नहीं बता पा रहा है, तो मान के चलिए यह भी माना जाएगा कि एफआईआर फॉल्स है, क्वेश्चनेबल है। टाइम नहीं बता पा रहा कि इस दिन इस तारीख को मेरे साथ ये घटना हुई, डेट, टाइम, प्लेस। अब प्लेस का मतलब किस होटल में आपके साथ रेप हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा ताकि पुलिस जाए वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। जब ऐसा नहीं बता पा रहे, मतलब आपने फॉल्स स्टोरी नरेट करी हुई, आपको पता ही नहीं डेट, टाइम, प्लेस, मेडिकल, कुछ भी मीट आउट जब नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं बैठ रही है, तो मान के चलिए आपको फंसाने के लिए एफआईआर लिखाई गई है। और दूसरी चीज और जान लीजिए, जब आपका किसी से कोई पहले से ही विवाद चल रहा है, आप लोगों के बीच में कोई भी मुकदमा, आपके परिवार के बीच में आज आपस में कोई मुकदमा पहले से चल रहा है, जनरली लोग क्या कर रहे हैं आजकल 376 को एज अ वेपन यूज करते हैं और एफआईआर 376, 354 में लिखा देते हैं। उसके बाद आप कॉम्प्रोमाइज की टेबल में बैठने के लिए प्रेशराइज होते हो। ठीक है, तो जहां पर आपका कोई ऑलरेडी पहले से केस चल रहा है, उसने आपको केस में फंसा दिया, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये काउंटर ब्लास्ट है, इसने फॉल्स केस लिखाया है आपके ऊपर, क्योंकि आपने पहले से ही प्रॉपर्टी का विवाद या कोई अन्य विवाद आपके साथ चल रहा था, इसलिए कोर्ट इसको भी कंसिडरेशन में लेगी और आपकी क्वेश्चन बनने लगेगी। जब अब यहां पर क्लियर हो गया कि पहली चीज मैंने बताई डिले इन एफआईआर होगी, टाइम नहीं होगा, प्लेस नहीं मेंशन होगा और किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक रोल नहीं मेंशन होगा। जैसे बोला कि 10 लोगों ने मिलकर मुझे मारा, अब 10 लोगों ने मिलकर मारा यानी कि एक जर्नल एलिगेशन हो गया। अब 10 लोगों ने जो मिलकर मारा हुआ है उसमें किसने हाथ पकड़ा, किसने पैर पकड़ा, किसने बाल नोचे, किसने डंडे से मारा, किसने लाठी से मारा, मतलब वेपन्स किसने कौन से इस्तेमाल किए, वो स्पेसिफिक तरीके से आपको बताना होगा। अगर आप वो नहीं बताते हो तो ये माना जाएगा कि एफआईआर कंप्लीटली फॉल्स और फैब्रिकेटेड है और ये क्वेश्चनेबल होगी और ये क्वेश्चन होती भी है, जो हम लोग जनरली कराते भी रहते हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब 376 के आरोप लगे होते हैं तो लड़की के परिवार वाले कहते हैं मैंने अपनी मर्जी से मेडिकल नहीं कराया, घर की खेती है, सिर्फ आपकी ओरल टेस्टिमनी के बेसिस पर हम किसी को जेल में रख देंगे,
आपने सिर्फ ओरली बोल दिया और जाके FIR लिखा दिया, कोई भी आपने एविडेंसेस नहीं दिए, और वो कोई बंदा जेल में चला जाए, उसकी सरकारी नौकरी छूट जाए, सारी की सारी चीजें उसके अगेंस्ट हो जाए, समाज से कट जाए और पेपरबाजी हो जाए, उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाए, तो इस बेसिस पर हम जेल में रख सकते हैं, आपने मेडिकल क्यों नहीं कंडक्ट कराया? ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। ये क्वेश्चनेबल होने का एक ग्राउंड होगा जब उसने अपनी खुद की मर्जी से मेडिकल नहीं कंडक्ट कराया। तो जब उसने मेडिकल नहीं कंडक्ट कराया, इट मीन्स ये क्लियर हो रहा है कि उसके साथ कोई ऑफेंस मीट आउट ही नहीं हो रहा है, कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो हम क्यों जेल में रहे? ठीक है, अब अगली चीज देखिए। अब जैसे कई बार महिलाएं लिखाती हैं शादी का झांसा देकर इन्होंने मेरे साथ लगातार 4 वर्षों से बलात्कार किया। आप माइनर हो नहीं, पहली चीज, माइनर होती तो बॉस को लग जाता, 376 लग जाता, आपको जेल हो जाती। लेकिन जहां पर ये ऑफेंस, यू नो, आप कह रही हो लगातार 4 साल से है, तो इट मीन्स 4 साल से कभी भी झांसा नहीं दिया जा सकता, वो हमेशा कंसेंशुअल ही होगा। तो इसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिल जाने वाला, और गुलाटी का एक जजमेंट है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप शादी के झांसा वाले आरोप से 376 में निकल सकते हो, बच सकते हो। अब देखिए, कई बार चीजें ऐसी निकल कर आती हैं जहां पर सारी की सारी स्टोरी फेक होती है, फॉल्स होती है, लेकिन बंदा 8 साल, 10 साल, 12 साल जेल में रहकर चलाता है, बाद में निकल के आता है कि वो बरी हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो महिला के समर्थन में ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों के समर्थन में ज़्यादा रहता है जो अपनी FIR लिखा दी और बंदा जो है ट्रायल फेस नहीं कर पा रहा, नॉलेज का अभाव है कि उसको इमिडिएटली 482 में जाना चाहिए, इमिडिएटली क्वेश्चन करानी चाहिए, उसके पास प्रोविजन है, अननेसेसरी का लाइफ नो स्पॉइल करने का जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने जितने फैक्ट्स आपको बताए इन आधार पर, अगर आपके केस में कुछ चीजें हो रही हैं तो आप मान के चलिए आपको इमिडिएटली क्वेश्चन में मूव करना है। अगर आप क्वेश्चन में जाते हो तो आपका मुकदमा जो 6 महीने में खत्म हो सकता है उसको 6 महीने में खत्म कराओ, और दूसरी चीज, ट्रायल फेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ट्रायल में 5-7 साल आपके जीवन के निकल जाएंगे। एक कंडीशन और आती, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरे ऊपर FIR रजिस्टर हो गई है, ये सारे एलिगेशन झूठे लगाए गए हैं, मैं तुरंत इमीडिएटली एंटीसिपेटरी बेल में चला जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एंटीसिपेटरी बेल में आप किस लिए जाते हैं? आप एंटीसिपेटरी बेल में इसीलिए जाते हैं ताकि आपको पुलिस अरेस्ट ना करे और इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, आप बचे रहो। ठीक है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल में अगर चले गए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप स्वीकार कर रहे हो कि आप आरोपी हो, आप अपराधी हो और आपसे गलती हुई है, इसलिए आप जेल जाने से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल में आ रहे हो। तो मेरा यहां पर लोगों को सजेशन यही होता है कि जब आपके पास क्वेश्चन का कंप्लीटली केस को खत्म करने का, FIR क्वेश्चन करने का, चार्जशीट क्वेश्चन करने का प्रोविजन है, तो इनिशियल स्टेज पर आपको FIR खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उस चार्जशीट को नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। कि जब चार्जशीट चैलेंज करते हो तो उसके साथ समनिंग ऑर्डर भी चैलेंज होता है, वो खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर चार्जशीट क्वेश्चन या FIR क्वेश्चन में आते हो तो आपके एंटीसिपेटरी बेल के और बेल के ग्राउंड खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए आप इमीडिएटली FIR क्वेश्चन में आओ अदर देन एंटीसिपेटरी बेल। FIR क्वेश्चन में आते हो तो आपको अरेस्ट स्टे मिल जाएगा, और दूसरी चीज, अगर आपकी FIR इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस जो है अप्रोप्रिएट नहीं, वो मीट आउट नहीं होते हैं, तो आपकी FIR खत्म होकर आपको बरी कर दिया जाएगा। जब आप बरी हो गए तो आप उस महिला के ऊपर 182 की कार्रवाई करिए, या उस व्यक्ति के ऊपर 182 की कार्रवाई करिए जिसने आपके अगेंस्ट फॉल्स मुकदमे लिखाए हैं, उसको वही सजा होगी जो आपको इन फॉल्स केसेस लिखाने के बेसिस पर होती। उम्मीद है ये जानकारी समझ में आई होगी। अब आप लोग FIR क्वेश्चन में मूव करेंगे अदर देन एंटीसिपेटरी बेल, इसलिए क्योंकि केस खत्म होना आपका जरूरी है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, केस आपका पहले खत्म हो, ट्रायल मत फेस करिए। और रही बात फीस की, तो आप लोग जो कहते हो कि सर वहां पर हाई कोर्ट में ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आप सोचो लोअर कोर्ट में ट्रायल में टाइम नहीं लगेगा आपका, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है आपका। और दूसरी चीज, अगर मैं मान लीजिए आप लोअर कोर्ट में गए तो लोअर कोर्ट में भी जाके करूंगा और हाई कोर्ट में भी करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी करूंगा, लेकिन कंडीशन ये है, पैसा तो मुझे सब जगह मिल रहा है ना, तो मेरी बात मानो, तो कम से कम क्वेश्चन की कोशिश करो। इनिशियली क्वेश्चन हो गया तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो एंटीसिपेटरी बेल तो है ही, वो तो करा के देंगे ही हम लोग। ठीक है, उम्मीद है जानकारी समझ में आई है, पसंद आई। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दूसरी चीज, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।